रहमतुल्लाहि व अस्सलाम वालेकुम असलकम अल्हम्दुलिल्लाह व अलहमदिल्ला व सलाम अला रसूल सो यंग स्टूडेंट्स ग्रोइंग अप बॉयज इन टू मैन दिन फोटी आपके लिए फिर एक बार मैं लेकर हाजिर मैं वाला आपका होस्ट और हम बात करेंगे टीन एज की और ये बड़ी सेंसिटिव एज है इससे पहले हमने तकरीबन 26 एपिसोड्स बनाए थे टीनेजर्स के लिए उस वक्त ये जो बैच है ये छोटा बैच था आप लोग जूनियर से प्री टीन्स यानी आठ साल नौ साल कोई होगा तकरीबन सात साल का भी उस वक्त जो टीन थे वो आज यूथ हो चुके हैं किसी की शादी हो गई कोई जॉब की तलाश में है कोई गाड़ी चला रहा है कोई एग्जीक्यूटिव हो चुका है तो ज़िंदगी गुजरते जाती है ज़िंदगी गुजरते जाती है ये टीन बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एज है दिस इज़ द एज ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जानने का एक शौक़ होता है जब तीन से पहले की जो एज होती है ना दस साल के पहले उसमें लोग आपकी गलतियां माफ़ कर देते हैं लोग कहते हैं अरे बच्चा है बच्चा है आप कुछ भी करेंगे बच्चा है आप सलाम करना भूल जाएंगे बच्चा है खाने में थोड़ा सा आपने शिद्दत की या थोड़ा फसी हो गए ये नहीं खाना वो नहीं खाना बच्चा है लेकिन अब जब आप टीन एज में आ जाते हो द मोमेंट यू आर एलेवन ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड और यूरी सेवनटीन एटीन पीपल स्टार्ट वॉचिंग यू ऑबजर्विंग यू माइन्यूटली और आपका ग्रेडिंग शुरू हो जाता है इसको कहते हैं साइलेंट ग्रेडिंग आपको ग्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लेकिन जहन में एक साइलेंट ग्रेडिंग होती है आपके बारे में कहीं शादी में गए तो लोग देखते किसका बेटा है आपके लिबास मैनर्स आपके, आपके बात करने का तरीका यह डिस्प्ले करता है आपका कैरेक्टर आपका इंप्रेशन लोग चुपचाप देखते हैं किसका बेटा है इसीलिए जब सत्रह अठारह साल की उम्र में आप पहुंच जाते हैं और बहने यानी बेटियां जो पहुंच जाती है तो शादियों में लोग अपने फ्यूचर दामाद और बहुएं को भी तलाश करते हैं किसकी बेटी है किसका बेटा है क्या करता है क्या देखा आपका ड्रेसिंग थोड़ी देखा ड्रेसिंग में तो बहुत लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए आपका मैनर्स आपकी बातचीत करने का अंदाज़ ये आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है आपके दिल में क्या ये नहीं पता है। आप कितने ब्रिलियंट है पढ़ने में अकेडमिक्स में टॉपर्स हैं कितने हैं उसकी किसी को नहीं पढ़ी है भाई दे आर इंटरेस्टेड इन वॉट दिस सी अबाउट यू कभी देखा आपने शादी में किसी ने पूछा कि जरा ग्रेड सीखाओ आप कभी शादी में एस एस सी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ग्रेड लेकर गए क्या आप मार्क्सिट लेकर गए कोई नहीं जाता उसी तरीके से मैयत में भी लोग आपको देखते हैं पता है कितने सीरियस है आप देखते हो कि मैयत में कुछ लोग बैठ कर खी खी खीकी करते रहते हैं बच्चे लोग तो क्योंकि बड़े आदमी को डांटना पड़ रे चुप तो इंप्रेशन खत्म हो जाता है ऐसे बच्चों का दिस इज ए वेरी सेंसिटिव एज वेरी सेंसिटिव एज और इस एज में या बनते हैं या बिगड़ते हैं इसीलिए फॉर फोटीन से दीन फॉर यूथ नहीं हालांकि दीन इज़ फॉर ऑल पैदा हुआ दीन फितरत से वहीं से दीन शुरू होता है कफन उड़ाने तक दीन इज़ टोटली थ्रू आउट द लाइफ लेकिन ये प्रोग्राम हमने दीन फोटी इसलिए रखा कि ये वो एज है जो सेंसिटिव एज होती है इसमें मैनर्स बनते हैं इसमें मैनर्स बिगड़ते हैं इसमें कैरेक्टर बनता है इसमें कैरेक्टर बिगड़ता है इसमें गलत दोस्त मिलते हैं लाइफ ख़त्म हो जाती है इसमें अच्छे दोस्त मिलते हैं करियर बन जाता है आखिरत बन जाती है तो ये दीन फोटी की ये सीरीज़ हम चालू करेंगे जितने एपिसोड्स हो सकते हैं आपके खिदमत में हम पेश करेंगे और ये क्लासरूम में हम एक फ्री सेशन रखते हैं जिसमें डिस्कशन करेंगे टीन के इश्यूज़ के ऊपर ताकि दूसरे लाखों लोग जो देखते हैं उनको भी राहबरी मिले और इनके कुछ सवाल के जवाब भी इनको इसी सीरीज़ में मिल जाएंगे इसीलिए हम आपको मौका देते रहेंगे आपको सवाल पूछते रहने का इन तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टीन ऐज आपकी कितनी शॉर्ट है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत की एज ओनली सिक्सटी ईर्स एवरेज है सही हदीस है बाज़ रवायत में सिक्सटी थ्री बाज़ रवायात में सिक्सटी अब इसमें 10-12 साल तो आपके निकल जाते हैं लड़कपन खेल में खोया 12 साल निकल गया बच्चे कितने हैं? आपकी ज़िंदगी के पता नहीं अब टीनेज भी आठ दस साल की टीन होती है उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई क्या करते हो क्यों घर पे हो कमाते क्यों नहीं पढ़ाई क्यों नहीं करते हो एडमिशन क्यों नहीं लिया इस तरह से एक प्रेशर आएगा क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है ख़ास करके बॉयज़ उन पर यह प्रेशर होता है के घर के अंदर ताऊन करना यू हैव टू हेल्प द फैमिली यह कब होगा जब आपका टीन अच्छा ग्रूमिंग होगा जी ना जैसे एक सीड आप किसी को प्लांट्स वगैरह का शौक है क्या आप में से इन्वायरमेंट ग्रीनरी तो आप एक सीड डालते हो उसके बाद रोज आकर देखते हो पानी डालते हो हाँ फर्टिलाइजर डालते हो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो ख्याल करते हो कि कोई बकरी आके खा नहीं जावे तो ये टीन एज भी वैसी ही है बिल्कुल वैसी है आपका जो इंप्रेशन टीन एज में रहता है वो तकरीबन लाइफ लॉन्ग रहता है लाइफ लॉन्ग इंप्रेशन रहता है आपका पता है फिर आप दाढ़ी वाले हो जाएंगे नमाजी हो जाएंगे लेकिन जो इंप्रेशन है ना आपके नेचर का वो रहेगा इसीलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एज एंड दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर दैट पर्पस श्योरली अब ये जिंदगी कितनी है मैंने कहा कि टीन एज आपकी दस साल की है उसमें आठ घंटा तो रोज सोते हैं वन थर्ड 24 घंटे में से 8 घंटे चले गए कुल्लू खलास अब बचे आपके 16 घंटे यानी 10 साल के साढ़े तीन साल तो आपके चले गए तो साढ़े सात साल का टीनेज है आपका एक्चुअली अभी साढ़े सात साल में आपके ऊपर स्कूलिंग और होमवर्क ये सारे प्रेशर होते हैं स्टार्टिंग में जो अभी आजकल तो स्कूलों में छुट्टियाँ हैं लेकिन मुझे पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल घर पर ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई तो टीचर करा रही है आप पढ़ते कितने हैं वो किसी को नहीं पता एवरेज देकर हम लोग पास हो रहे हैं एट स्टैंडर्ड के एवरेज पर 1000 स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ रहा है तो शुड वी वेस्ट ऑफ अ टाइम इतनी छोटी जिंदगी है वो सवाल है मेरा आपसे कि आप जब मेरी उम्र में पहुंच जाओगे आप पीछे मुड़के देखोगे कि जिंदगी का कितना वक्त ऐसा था जिसमें कुछ कर सकता था मैं और मिस हो गया अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ने दी ग्रो होने की प्रोफेशनली ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ये सारे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला इस एज में देता है और आज की एज में तो चैंपियंस बड़े छोटे होते हैं पता है क्या टेनिस के चैंपियंस देखो सत्रह अठारह साल में विम्बल्टन जीत जाते हैं जो टेनिस के प्लेयर्स हैं अठारह साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन हो जाते हैं भाई आप देखो ओलंपिक्स अभी अभी खत्म हुआ टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स में चौदह साल के लोग गोल्ड मेडल मार रहे थे चौदह साल के लोग एक बड़ा तबका है सोसाइटी का जिसको इस उम्र में ये कोई सहूलत मिलती नहीं है इनको लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करे इंतजार ना करे कि कोई हमको हेल्प करे खुद ही तलाश करे तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं मैं देखता हूं इंटरनेट पे पंद्रह साल के बच्चे कोडिंग सीख जाते हैं वेबसाइट्स बनाते हैं पंद्रह साल के बच्चे सोलह सत्रह साल का बच्चा ऐसे की समर वैकेशन में अपने माँ बाप को हेल्प करता है ऑनलाइन बिजनेस में क्योंकि उसको इंटरनेट आती है माँ बाप को इतना नहीं आता है दे आर यूटिलाइजिंग द टीन एज आप चैंपियंस छोटी उम्र में आ गए अठारह उन्नीस साल में आप टेस्ट क्रिकेटर बन सकते हो आप देखते हो कि कितनी सारी क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज आ गए बीस साल पहले तो से था ही नहीं ना आई था ना ट्वेंटी था कुछ नहीं था अचानक सा एक मैदान खुल गया हर फील्ड में उसके कंपेयर में ये टीन बहुत छोटी है और ये सारी अचीवमेंट्स अक्सर अचीवमेंट्स मेरे ज़माने में यूथ में होता था और मेरे वालिद के ज़माने में मिडिल एज में होता था मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको जब मेरे वालिद साहब पैंतीस साल के थे तो मेरे ग्रैंडफादर ने उनको कहा कि एडवेंचर करो गाड़ी खरीदो कारोबार शुरू करो तो मेरे वालिद साहब ने कारोबार शुरू किया एट द एज ऑफ थर्टी उससे पहले भरोसा नहीं करते मेरा जमाना आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 25 साल की उम्र में कहा गाड़ी खरीदो बिजनेस करो दुबई जाओ 25 साल की उम्र में 26 साल की उम्र में मैं दुबई गया अब मेरा बेटा 18 साल का है तो मैं कहता हूं गाड़ी खरीद अब मुझे पूछना पड़ता है कौन सा लैपटॉप खरीदू कौन सा मोबाइल खरीदू तो चैंपियंस छोटे होते जा रहे हैं चैंपियंस छोटे होते जा रहे हैं और जिंदगियां भी छोटी होती जा रही है और रफ्तार में गुजरती जा रही है लाइफ इज मूविंग वेरी फास्ट नाउ ऐसा लगता है कि जिंदगी रफ्तार में गुजर गई पता नहीं अब तो बचपना था अभी तो एक ही साल हुआ फलाने आदमी को मिला था तो ये जिंदगी छोटी सी है यू विल नॉट रियलाइज हाउ फास्ट इट विल गो अवे एंड मोस्ट ऑफ यू आप लोग मिड टीन भी क्रॉस कर चुके हैं मिड टीन क्योंकि आप एस में अगर है तो पंद्रह साल क्रॉस कर चुके हो और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के हैं तो सत्रह साल क्रॉस कर चुके हो नाउ यू आर इन योर मिड टीन अब मिड टीन यानी हो गई फिक्र करियर की और फोकस आ गया तुम्हारे एजुकेशन पे इसको ये रेस बोलते हैं रेट रेस अब पंद्रह साल के बच्चे को पूछेंगे अभी मैं पूछूं आपको व्हाई डू यू गो टू स्कूल हु वुड लाइक टू रिप्लाई व्हाई डू यू गो टू स्कूल विद कॉमन सेंस है आप यस बोलो भैया क्यों पढ़ाई करते आप स्कूल क्यों जाते हैं टू डी समथिंग लाइक न्यू कुछ नया सीखने के लिए सर yes, तो 20 साल तक 15 साल तक आप स्कूल में रोज नया नया सीखते जा रहे हैं सर मतलब हर सब्जेक्ट सीखते हैं ताकि बाद में आगे जिंदगी में काम आए हिस्ट्री क्या काम आती है मुझे ज्योग्राफी क्या काम आ रही है डॉक्टर बन जाने के बाद हिस्ट्री सिखाती है कि जो गलतियां बड़े किए तो आप ना करो लेकिन करते है लोग देखो क्या है स्कूल में जाने का मकसद ये नहीं कि नई चीज़ें सीखो ये तो आदमी बाहर भी सीख सकता है आप ये शूटिंग पे आकर रोज बैठो तो आप पच्चीस चीज सीखोगे एक्टिंग करना सीखोगे कैमरा चलाना सीखोगे सेट बनाना सीखोगे है कि नहीं लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा लोग स्कूल में इसलिए जाते हैं सबसे पहले बचपन में कि माँ छोड़ के आती है कोई नहीं जाता है राइट मेरी माँ छोड़ के जाती है रोते है, देखो जाके नर्सरी में फिर जब थोड़े से बड़े हो गए प्राइमरी क्रॉस कर दी तो मेरे फ्रेंड से मज़ा आती है इसलिए जाते हैं क्या सीख कोई नहीं जाता सीखने के लिए सब सीखते हैं बाहर कैंपस के बाहर सीखते हैं लोग गालियाँ बोलना कैंपस के बाहर सीखते हैं नमाज पढ़ना कैंपस के बाहर सीखते हैं कौन जाता है स्कूल में सिखाते थोड़ी है स्कूल में तो खाली जर्नल कंप्लीट करते हैं और क्या करते हैं राइट कीप क्वाइट बोलना भी नहीं सिखाते कीप तो साल भर चुपी रहना पड़ता नहीं तो प्रिंसिपल की ऑफिस में जाओ सही ये हमारे स्कूल सिस्टम है तो ये जो स्कूल सिस्टम है इसकी बदौलत इसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में फर्क पड़ जाता है फिर जब आप एस में आए नाइन्थ स्टैंडर्ड में आए फिर आपसे पूछो स्कूल क्यों जाते हो तो आप कहोगे अच्छे ग्रेड लाने के लिए ताकि कॉलेज में एडमिशन मिले अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले राइट right? अच्छे ग्रेड ग्रेडेंज हुआ ना तीन चेंजेस आ गए उसके बाद जब आप कॉलेज कंप्लीट करोगे कॉलेज में घुस गए अच्छे ग्रेड आ गए नाइन्टी आ गया सेवेंटी आ गया कैसे भी करके कॉलेज में घुस गए आप फिर मैं पूछूंगा क्या भाई कॉलेज क्यों आते हो पढ़ाई क्यों करते हो एजुकेशन क्यों तो आपका जवाब क्या होगा इस वक्त नौकरी के लिए अच्छी नौकरी मिलेगी हाँ करियर कौन देखता है सब पैसा देखता है लोग सोचेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी यानी हर जनरेशन में यानी हर तीन साल में आपका एजुकेशन का मकसद चेंज होता है क्योंकि आपकी टीचर ने आपको कभी बताया है नहीं कि स्कूल क्यों आते हैं आप है कोई सब्जेक्ट ऐसा या कभी टीचर ने दिखाया बात हुआ कभी कि आप लोग स्कूल में क्यों आते हो क्योंकि टीचर को ही नहीं मालूम बेचारी को कि आप लोग स्कूल में क्यों आते हो स्कूलिंग हमारी जो है वो खाली आपको पढ़ना और लिखना सिखाती है याद रखना दे डोंट टीच बियॉन्ड दैट आपकी स्कूल सिर्फ आपको पढ़ना लिखना और एनालाइज करना सिखाते हैं तीन चीज लेकिन पढ़ना लिखना और एनालाइज करना यही तीन चीजें हम जिंदगी में कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं आई विल गिव एन एग्जाम्पल हम पढ़ते लिखते हैं दस बारह साल तक राइट बोलते तो है ही नहीं तो मैं कहूँगा नहीं कि बोलना सिखाते हैं खाली गुड मॉर्निंग टीचर गुड इवनिंग टीचर थैंक यू टीचर के अलावा कुछ ज्यादा कहाँ बात करते हैं हम लोग तो बोलना तो सिखाते नहीं है लिखना सिखाते हैं पूरा साल पूरा साल जर्नल कंप्लीट करते हैं आप लोग पूरा साल एग्जाम में भी लिखना है उसके बाद लिखता कौन है अभी तो फिर कीबोर्ड आ गया अभी तो टाइप करते हैं अभी तो व्हाट्सएप पे भी कोई नहीं लिखता अभी तो हम टाइप करते हैं यार अभी कहाँ लिखना लिखना है अभी तो टेक्स्ट ऑडियो टू टेक्स्ट आ गया बोलते हो टाइप हो जाता है और तो कॉपी बेस्ट भी आ गया लिखते कौन है जिंदगी में क्या लिखते आप लोग एक भी जर्नल कंप्लीट किया वैकेशन में आपने किसी ने अपना कोई जर्नल बनाया है क्या किसी ने नहीं बनाया उसके बाद पढ़ना पढ़ना तो पढ़ना सिखा दिया टीचर ने लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं पढ़ाई का शौक कितने लोगों का है बहुत कम शौक है पढ़ाई के बारे में एक पूरा लेसन करेंगे हम लोग कि पढ़ाई कैसी होती है किसको रीडिंग बोलते हैं अब उसके बाद क्या हो गया पढ़ाई आपकी पढ़ाई आ गई लेकिन पढ़ाई करते नहीं सिवाय कि हम लोग अखबार पढ़ेंगे क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे स्कोर पढ़ेंगे यही सब पढ़ाई होती है डेवलपमेंट की पढ़ाई कोई नहीं करता है जो करते हैं वो तरक्की करते हैं बहुत कम तबका रहता है दैट मीन्स वी आर नॉट अप्लाइंग एजुकेशन इन अवर लाइफ नंबर थ्री एनालिसिस एनालिसिस सिखा दिया यस गिव रीजन वाई डिड वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस पहली विश्व जंग क्यों हुई गिव रीजन है ना वजह बताइए हिस्ट्री में वजह है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म हुआ वजह बताइए तो आपको वजह बताने की ये रीजनिंग स्किल है इंग्लिश में उर्दू के लेसन में स्टोरीज होती है फिर सवाल पूछे चिड़िया क्यों रो रही थी क्यों आपको वजह लिखने की है फिर ज्योमेट्री में आपने थियरम्स बनाया उसको प्रूफ करना पड़ता है रीजन्स केमिस्ट्री में आपको इक्वेशन प्रूफ करना पड़ता है रीजन्स फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ प्रूफ करना पड़ता है रीजन्स रीजनिंग स्किल्स आपको सिखाया गया स्कूल लाइफ में लेकिन बाहर निकलने के बाद कौन रीजनिंग स्किल का इस्तेमाल करता है आइदर वी फॉलो ब्लाइंडली या हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या फिर हम रीजनिंग करते है, नहीं है किसी और का लिया हुआ हम ले लेते हैं अपना अकल का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो तो सब डॉक्टर बनते भागते रीजनिंग नहीं करते एक क्लास में मैंने पूछा कौन डॉक्टर बनना चाहता है तो सबने हाथ ऊपर किया तो क्यों डॉक्टर बनना चाहता है ऐसे ही खामोश एक बच्चा बोलता है मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूं अरे तो फिर म्यूनसिपालिटी वाले बन जाए यार मच्छर मारो और मलेरिया से लोगों की जान बचाओ फायर ब्रिगेड वाले बन जाओ डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं आप मिस्टर डोंट नो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं दे आर नॉट यूजिंग देयर एजुकेशन एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बात समझ में आ रही है एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है हमारे जमाने में तो तीन स्किल्स है रीडिंग राइटिंग एंड एनालिसिस तीनों स्किल्स आपको स्कूल सिखाती है लेकिन तीनों स्कूल छोड़ देते हैं तीनों स्किल्स और जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो इनका इस्तेमाल ही नहीं होता है नतीजा ये होता है कि अक्सर लोग सिर्फ ग्रेजुएटेड रहते हैं एजुकेटेड नहीं रहते हैं ग्रेजुएटेड है पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं होते है क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं किया एजुकेशन का मैं अगर गाड़ी चलाना आप मुझे सिखा मैं गाड़ी चलाऊ ही नहीं तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस है लेकिन गाड़ी चलाता नहीं हूं मैं सिमिलरली मैनी ऑफर्स आर ग्रेजुएट्स बट दे आर नॉन एजुकेटेड और पार्टली एजुकेटेड और नॉट यूजिंग एजुकेशन एक और एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों में से मैथ्स अच्छा है सबका मैथ्स टॉपर है अलहमद अच्छा है यस क्या है अलहमद बोलेंगे नहीं खुद ही क्रेडिट लेंगे अल्लाह को देंगे ही नहीं मैस आता है सबको आता है ठीक है ना अब जब जाते हैं आप ग्रोसरी में जाते हैं कि नहीं जाते पता नहीं मम्मी जाती होगी बेचारी ग्रोसरी में जाते हैं तो कितने लोग हिसाब करते हो चेक करते हो बहुत कम कंप्यूटर कम। पे प्रुक करके बिल आ गया सुपरमार्केट में कुट करके पैसा निकल के दे दिया एटीएम का कार्ड दे दिया स्वाइप कर दिया पैसा चला गया कौन चेक करता है कौन चेक करता है वजन बराबर है कि नहीं है तो मैथ्स का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ लाइफ में और भाई बोलते हैं कि हिस्ट्री भी काम आती है हिस्ट्री क्या काम आती है मैथ्स ही काम नहीं आ रहा है इसलिए कि वी आर नॉट यूजिंग अवर एजुकेशन हम हमारे एजुकेशन का इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं करते हैं इसलिए में से अक्सर लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं इसीलिए मैंने कहा कि ये एज में जो सीखेंगे वो लाइफ लॉन्ग काम आता है और कितनी छोटी ऐजे हाउ शॉर्ट इज योर लाइफ वेरी शॉर्ट साठ साल की ज़िंदगी है दस साल निकल गया दस बारह साल बाकी बच्चे फोर्टी एट ईयर्स उसमें से वन थर्ड सोने में चले गए बचा थर्टी टू ईयर्स थर्टी टू ईयर्स की जिंदगी में क्या कमाल कर सकते हैं कुछ नहीं करते हम लोग उसमें भी सोया नहाया धोया एक एक घंटा वो भी निकालो दोस्तों के साथ गप्पे मारे व्हाट्सएप पे चैटिंग किए मतलब के टाइम वे ज़्यादा है हमारा करते क्या है हम लाइफ ऐसी ही चली जाती है इतनी सारी टेक्नोलॉजी इतनी सारी सहूलतें इस जमाने में है। हमारे जमाने में भी इतनी नहीं थी इंटरनेट नहीं था कंप्यूटर नहीं था कुछ भी नहीं था इतनी सारी फैसिलिटी आने के बाद अगर तरक्की में स्पीड कम हो गई देन योर लाइफ इज टू शॉर्ट एंड गोइंग टू फास्ट एंड वेस्टेड वेरी गुड है एक शख्स फुटबॉल में जाता है अठारह अच्छा साल की उम्र में उसकी कंट्री को प्रेजेंट करता है ही वेंट फास्ट ही स्टार्टेड लर्निंग फास्ट और 25 साल की उम्र में वो करोड़पति हो जाता है और 26-27 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाता है पैसा कमा कर करोड़ों रुपया टेनिस प्लेयर क्रिकेट प्लेयर ये सभी का करियर आज टीन में शुरू होता है मिड ट्वेंटीज़ यानी पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस साल की उम्र में वो समझते प्रोफेशनली बुढ़ा हो गया आदमी रिटायर हो जाते तीस साल की उम्र में हमारे जमाने में चालीस साल की उम्र तक कैप्टनस खेलते थे आज रिटायर हो जाते हैं तो मालूम यह हुआ कि टीन में आप जो कुछ कर पाएंगे जो कुछ बना पाएंगे इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ अदरवाइज योर लाइफ इज अ वेस्ट आप देखो साहबा की जिंदगी हमारे असलाफ की जिंदगी इबन अब्बास ही स्टार्टेड एट यंग एज हज़रत आयशा हजरत अनस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ये चार साहबी ये टीन में इन्होंने स्टडी स्टार्ट की हदीजो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में हजरत अनस रदी हजरत आयशा रदी हाँ और हज़रत इबन अब्बास रदी अन और इब्ने उमर रदीन ये चार सहाबी छोटी उम्र में टीन की उम्र में इन्होंने दीन सीखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इन्होंने दीन सिखाना शुरू किया और मेजॉरिटी ऑफ द हदीस इन चार सहाबा से आती है ये जो दीन हमारे पास है आज 1400 साल के बाद ये टीन एजर्सों की स्टडीज़ जो थी वो आगे बढ़कर हमको पहुंचाई वैसे टी थे उस जमाने में कोई इंटरनेट था कोई माइक था टेलीफोन नहीं था टेलीविजन कैमरा नहीं था कि लाइव टेलीकास्ट कर सके आप कुछ भी सहूलत नहीं थी विदाउट फैसिलिटी उन्होंने अपनी आखिरत बना ली अब अपनी कब्र में चले गए अब हम हदीस पेश करते हैं हज़रत इबन अब्बास ने कहा हदी हज़रत आयशा ने कहा ये लोग ने कहा और हम सुनते हैं इनको सवाबी जाग होता है देयर लाइफ का मकसद पूरा हो गया इनका एक लेगेसी इन्होंने आगे बढ़ा दी चौदह सौ साल तक कोई मौलवी मौलवी नहीं बन सकता है, जब तक कि इन सहाबा की हदीस नहीं पढ़तेगा कंपल्सरी फैकल्टी और सिलेबस का हिस्सा बन गए ये लोग क्या किया इन्होंने इन्होंने अपने टीन का इस्तेमाल किया उनके भी 24 फोर आवर्स थे, हमारे आपके भी 24 फोर आवर्स हैं इन्होंने अपने टीन का इस्तेमाल किया हमने हमारी टीन को गुजारा वी पास वे आवर टीन एज एक्चुअली दैट इज नथिंग लाइक टाइम पास आइदर यू आर यूजिंग योर टाइम या अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो या अपना टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हो इन बिटवीन कुछ नहीं है दैट इज नथिंग लाइक टाइम पास हमारा टाइम पास होता है छोटी सी जिंदगी है लेकिन कैसे गुजरती है देखो हमारे एक सिस्टम आई डोंट नो अबाउट यू लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल मासिस आम मुसलमानों के बच्चों की ज़िंदगी हैदराबाद और बम्बे जहाँ भी अब मुसलमानों के बच्चे जो रहते हैं ना आप देखो रात को बारह एक दो बजे तो सोने आते घर पे टीन एजर तो बड़े हो गए पंद्रह साल सोलह साल आप भी देखते हो कि आपके सर्कल में रात को बारह एक बजे सोने आते हैं इंटरनेट पर टाप टुप टाप टुप करते रहते हैं दस ग्यारह बजे तक दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं फिर फजर में भी उठते नहीं उठते ग्यारह दस बजे ग्यारह बजे उठते हैं और लॉकडाउन की वजह से तो और कोई पूछने वाला नहीं है कोई स्कूल भेजने वाला नहीं है कहीं जाने का नहीं है तो लोग उठते ये दस बजे ग्यारह बजे तो कितना टाइम लाइफ का यूथ का दिन का वेस्ट होता है होलसेल में उसके कंपेयर में दूसरी कम्युनिटीज के बच्चे तरक्की करते हैं इनके माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं दस बजे सो जाने का लाइट ऑफ इंटरनेट ऑफ और सवेरे उठ के ये लोग पढ़ते हैं हम तो फजर भी छोड़ देते हैं और तरक्की करते हैं ये लोग पता चला कि टीन एज इज एज आदर यू बिल्ड योर करियर यू बिल्ड योर लाइफ यू बिल्ड योर आखिरा और यू वेस्ट इट देर इज़ नथिंग लाइक पासिंग हालांकि वक़्त गुजरते जाता है साहबा कि राम रिजवान यजमाइन इनका वक़्त गुजरा लेकिन जिंदगी का इस्तेमाल किया उन्होंने न कॉलेज थी उनके ज़माने में न यूनिवर्सिटीज थी फिर भी इनके वहां एस्ट्रोनॉमर्स आए एडमिनिस्ट्रेटर्स आए मिलिट्री के जनरल्स आए अकाउंटेंट्स आए ये कैसे आ गए फिर विदाउट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज कौन सी डिग्रियां लाने गए ये लोग रियल सेंस में एजुकेटेड थे हम लोग ग्रेजुएट थे अगर आप कंपेयर करते हो पढ़ाई का तो मैं अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर या सब जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक की छह सब्जेक्ट्स होते एवरेज राइट छह सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व कितनी टेक्स्ट बुक हो गई ट्वेल्थ स्टंड तक ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू टैक्स बुक्स हुई एवरेज कितने पेजेस होते हैं हंड्रेड पेजेस क्योंकि जूनियर सेक्शन में तो कम होता है तो हो गया सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पेजेस बारह साल तक सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पेजेस पढ़ा और कॉलेज में आ गया और वहाँ भी तीन चार हजार पेजेस एक्स्ट्रा पढ़ लिए तीन साल में वो भी पढ़े थोड़ी एग्जाम में पास होने के लिए जो काम की चीज़ है वही पढ़ता है कौन पढ़ता है पूरा कौन पढ़ता है उसके अलावा तो हम कुछ पढ़ते भी नहीं सीवा के फेसबुक के पोस्टर्स राइट हम पढ़े लिखे वी आर एजुकेटेड ओनली सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पेजेस वो भी पूरा नहीं पढ़े लेकिन अगर उस जमाने में जब किताबें नहीं थी सलफ के जमाने में इबन कयम जोजी रहमतुल्ल जुमा के खुदबे में कहते हैं कि बाय द टाइम आई कंप्लीटेड मैं एटीन ईयर्स मैं अठारह साल का हो गया उस वक्त मैं दो हजार किताबें पढ़ चुका था टू थाउजेंड बुक्स हम लोग कितनी बुक्स सेवेंटी टू बुक्स एंड ग्रेजुएट्स एंड वाह कॉन्ग्रेचुलेशन वो डिग्री मिलती है टोपी पहन के हाँ वाह वाह टॉपर है टॉपर है अवार्ड्स मिलता है और ये देखो विदाउट यूनिवर्सिटीज़ विदाउट कॉलेजेस विदाउट राइटिंग फैसिलिटीज़ वी हैव प्रोड्यूस्ड स्कॉलर्स और इन सारे चीज़ों के बारे में हम अगले एपिसोड्स में ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि हमें एहसास हो जाए कि कितनी वैल्यूएबल टीन है अभी भी आपके टीनेज के दो साल बाकी है कुछ लोगों के पाँच साल बाकी है कुछ लोगों के चार साल बाकी है यू कैन स्टिल यूटिलाइज दैट पीरियड वो वक्त का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हो और जो वक्त वेस्ट हो चुका है उसको पिकअप कर सकते हो साहब किराम में भी ऐसे साहब आते जो बहुत बड़ी उम्र में ईमान ले आए थे लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही कुछ लोग कुरान के हाफ़िज़ हो गए कुछ लोगों ने दूसरे बड़े बड़े कारनामे किए एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मैनेजमेंट और सब कामयाब हो गए तो डोंट थिंक दैट यू वेस्टेड योर लाइफ अभी मातम नहीं करना आप लोग अप एंड ट्राई टू स्पीड अप इंशाल्लाह तो ये सिलसिला हम डिस्कस करेंगे कैसे क्यों अगले एपिसोड्स में आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व लोगों की इसलाह करने में आई प्लस टीवी की मदद करें हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन जरूर दबाएं ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें